अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास ये ओप्पो A12 है जो कि लॉक है। तो इसका पहले मॉडल नंबर कंफर्म करके बता देता हूँ मैं। तो देख सकते हो इसका मॉडल है CPH2083, मतलब ये ओप्पो A12 है। अब इसे पावर ऑफ कर लेते हैं। अब आ जाते हैं पीसी पर। यहाँ पे UMT MTK का टूल ओपन करेंगे। मैंने ये पहले से ओपन करके रखा हुआ था। अब टूल एंड FRP टैब पर जाएंगे। यहाँ नीचे लिखा हुआ है रिसेट डिवाइस मेटा, इस पर ओके कर देंगे। अब ये फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए कहेगा, तो हमें क्या करना है, फ़ोन का वॉल्यूम अप एंड डाउन की दोनों साथ में दबा के रखेंगे और डेटा केबल को इंसर्ट कर देंगे। तो फ़ोन डिटेक्ट हो चुका है, ये ऑपरेशन फेल हो चुका है, लेकिन ये मेटा मोड में रिबूट हो रहा है। तब तक थोड़ा वेट करते हैं। तो देख सकते हो ये ग्रीन स्क्रीन आ गई है, मतलब ये मेटा मोड में रिबूट हो चुका है। अभी हमें डेटा केबल को निकालना नहीं है और रिसेट डिवाइस मेटा पे एक बार फिर से ओके करना है। ऑपरेशन फिनिश हो चुका है, फ़ोन अब ऑटोमेटिक ऑन होएगा। तब तक तो थोड़ा वेट करते हैं। अभी ये ऑन होने में थोड़ा टाइम लेगा, तो वीडियो में थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देख सकते हो पूरी तरह से ऑन हो चुका है। अब इसका सेटअप कर लेते हैं फटाफट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।